सर्दियों में अगर आपकी भी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, डल दिखने लगती है, काली पड़ जाती है, तो एक बार इस बॉडी वॉश को बनाकर देखो। ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा, काला नहीं पड़ने देगा और साथ ही सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए कोई भी क्रीमी सोप, जैसे कि डव। मैंने यहाँ पर एक डव लिया है, बड़ा वाला। अब आपको क्या करना क्या है, एक ग्रेटर की हेल्प से इसको ग्रेट करना है। आप चाहो तो इसे छोटे छोटे पीसेस में कट भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट करूँगी, क्योंकि ऐसा करने से ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस में हम इसको मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पर पूरा साबुन मैंने ग्रेट कर लिया है, आप देख सकते हो। अब आपको गैस पर एक पैन रखना है और उसमें 1.5 ग्लास के करीब आपको पानी ऐड करना है। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, 1.5 ग्लास काफ़ी रहेगा। फिर उसके बाद में आपको इसमें जो ग्रेट किया हुआ साबुन है उसको ऐड कर देना है। जब आप इसको ऐड कर दोगे, उसके बाद में आपको इसे मेल्ट करना है पूरी तरह से। जब तक कि पूरा साबुन पानी के अंदर मेल्ट नहीं हो जाता और ये क्रीमी फॉर्म में नहीं आ जाता, जब तक हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर जो साबुन है वो तो पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, आप देख सकते हो, क्रीमी फॉर्म में भी आ गई है इसकी कंसिस्टेंसी। लेकिन अभी भी हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं और मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। हमारा जो इसका टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा क्रीमी हो चुका है। इसके बाद में जब ये थोड़ा बहुत ठंडा हो जाएगा इस तरीके से, तब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि सर्दियों में बहुत ही अच्छे से वर्क करता है हमारी स्किन पर। इसके बाद में मैं यहाँ पर 1 चम्मच आर्गन ऑयल का ऐड करूँगी। अगर आपके पास आर्गन ऑयल नहीं है तो आप बादाम का तेल ले सकते हो या फिर विटामिन ई के कैप्सूल्स ले सकते हो। फिर मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच एलोवेरा जेल के ऐड करूँगी। मार्केट वाला एलोवेरा जेल लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। इसे ऐड करने के बाद में मैं यहाँ पर ले रही हूँ लैवेंडर एसेंशियल ऑयल। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। ये मैंने केवल फ्रेग्रेंस के लिए ऐड किया है और थोड़ा इसके प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, मतलब जो हमारा बॉडी वॉश है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है। तो अब मैं इसको कुछ इस तरीके की पंप बॉटल में स्टोर कर लूँगी। ये जो बॉटल है ये मेरे बॉडी लोशन की बॉटल थी, जिसको मैंने क्लीन करके इसमें इसको फिल कर लिया है। इस बॉडी वॉश को आप आराम से महीनों तक स्टोर कर सकते हो, ये ख़राब नहीं होने वाला है। आप इसे बाथरूम में स्टोर कर सकते हो, फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि झाग क्रिएट होगा या नहीं। जैसे डव से होता है उसी तरीके का झाग होगा, लेकिन ये आपकी स्किन को ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा। अभी आप देख सकते हो ये पतला है थोड़ा सा, लेकिन ये जैसे जैसे ज़्यादा ठंडा हो जाएगा उतना ही ज़्यादा क्रीमी होता चला जाएगा। जब आप इसे बनाएंगे तब ये चीज़ आपको पता चलेगी। मैं अभी आपको ऐसे ही अपने हाथ पर लगाकर दिखा रही हूँ, मैं दूसरे हाथ पर भी इसको लगाऊंगी। इसको लगाने के बाद में मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो गई थी। इतनी देर मैंने लगाया भी नहीं था, बस थोड़ी देर लगाकर छुटा दिया था, मतलब धो लिया था हाथ को। इसके बाद में मेरी जो स्किन थी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ लग रही थी, बिल्कुल ड्राई भी नहीं हुई थी। आप देख सकते हो ड्राई हो जाती है सर्दियों में। तो आप लोग भी बनाकर देखो इस बॉडी वॉश को और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोगों को ये बॉडी वॉश कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।